please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस फोटोशॉप का वीडियो ट्यूटोरियल्स पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से वेडिंग का कार बैनर डिजाइन करना सीखेंगे, ए टू जेड किस तरीके का साइज यूज करना है, किस तरीके का प्रिंटेबल वेडिंग के लिए बैनर डिजाइन करना सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए अंत तक। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको वेडिंग का कार बैनर डिजाइन क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली कीबोर्ड का कंट्रोल एन यानी कि न्यू पेज क्रिएट करना है। फाइल के ऊपर में क्लिक करते हुए, न्यू के ऊपर में क्लिक करते हुए आपको न्यू पेज क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली यहां पर साइज देना है दोस्तों इंचेस के अंदर। तो आपको यहां पर वेट 24 इंचेस और हाइट 18 इंचेस और रेजुलेशन आपको देना है दोस्तों 150 का रेजुलेशन देना है। और उसके बाद सिंपली आपको यहां पर कलर मोड चेंज करना है लैब कलर। तो उसके बाद आपको सिंपली ओके बटन के ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक पेज क्रिएट कर चुका हूँ। अब आपको सिंपली यहाँ पर एक न्यू पेज क्रिएट करना है यानी कि एक क्रिएट लेयर करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर इस वाले टूल के अंदर यानी कि रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल के अंदर आपको क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट करना है। ध्यान से देखिए, इसी तरीके से आपको यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट करना है। तो उसके बाद आपको सिंपली इस तरीके से सिलेक्शन करने के बाद आपको जाना है दोस्तों एडिट के ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर स्ट्रोक के ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको स्ट्रोक साइज देना है दोस्तों 50px के आसपास और आपको जो भी कलर पसंद है आप वही कलर फिल कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए मैं कुछ इस तरीके का रेड कलर फिल करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर के ऊपर में क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करते हुए कुछ इस तरीके से बॉर्डर्स मैंने दिया है दोस्तों। इस बॉर्डर ज़्यादा बॉर्डर हुआ है तो दोस्तों आपको सिंपली एडिट के ऊपर क्लिक करते हुए, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करते हुए आपको इसका साइज 25 के आसपास कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको 25 के आसपास कर चुका हूँ। अब आपको सिंपली जो भी पिक्चर्स वगैरह आपको यहाँ पर फिल करना है, जो भी कलर ग्रेड वगैरह करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर के अंदर में क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है दोस्तों ग्रेडियंट टूल के अंदर और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है येलो ग्रेडियंट कलर। तो आपको इस वाले ऑप्शन के अंदर क्लिक करते हुए आपको थोड़ा सा ग्रेडियंट आप बना सकते हो। तो इसको मैं इस तरीके से राउंड करते हुए यहाँ पर मैं इसको नीचे की तरफ लेकर आऊँगा, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरीके से रखूँगा। तो रखने के बाद दोस्तों मैं कुछ इस तरीके से ओके बटन के ऊपर क्लिक करते हुए इस लेयर को मैं इसके नीचे रख दूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इस तरीके का डिज़ाइन नज़र में आएगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह इंटरनेट से डाउनलोड किया है दोस्तों इस वाले इमेज के लिए यानी कि इस वाले डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का इमेज यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये वाला बॉर्डर्स यहाँ पर फिल करना चाहूँगा। तो इसको मैं कंट्रोल ए करते हुए, एक्चुअली PNG है, कंट्रोल ए करते हुए कंट्रोल वी करते हुए आपको यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करते हुए यहाँ पर इसको फिल करना चाहूँगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना है। तो फिल करने के बाद दोस्तों इसी को मैं एक और कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ दोस्तों ऑल्ट प्रेस करते हुए। इसको मैं फिर से रोटेट करना चाहूँगा, शिफ्ट होल्ड करते हुए इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको रख रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से रखना चाहते हो भी रख सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर बॉर्डर ऐड करते हुए यानी कि इसके अंदर रखते हुए भी आप इसको बना सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल के अंदर सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद इसको आप इस तरीके से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों देखिए तुरंत ये डिलीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको इस तरीके का नीचे की तरफ भी आपको डिलीट करना है। तो इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए आपको डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करते हुए डिलीट करना है। तो यहाँ पर देखिए कितना आसानी से ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली इसके ऊपर भी इस तरीके का साइड के भी डिलीट करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके लेयर के अंदर क्लिक करते हुए इसको डिलीट करना है और फिर से यहाँ पर भी ऊपर की तरफ भी आपको इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए इसको डिलीट करना है। तो ध्यान से देखिए इस तरीके से मैंने कितना आसानी से ये बॉर्डर्स भी मैंने बना चुका हूँ दोस्तों। देखिए तो आप भी इसी तरीके से बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आपको इस तरीके से बना सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर जो जो टेक्स्ट वगैरह आपको टाइप करना है तो सिंपली आप फटाफट से यहाँ पर टाइप कर सकते हो। उसके लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा दोस्तों ARAP02। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका कलर दे दूँगा दोस्तों रेड कलर,
ताकि आप जो भी कॉलर वगैरह आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको दो लाइन बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं श्री गणेशाय टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर श्री गणेशाय नमः टाइप कर चुका हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज करते हुए तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल टी बटन होल्ड करके इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा तो यहाँ पर इसको सेट करूँगा। सेट करने के बाद दोस्तों इसको कंट्रोल ए करते इसको सेंटर अलाइनमेंट करूँगा ताकि ये सेंटर की तरफ हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखते हुए इसको मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। तो सेट करने के बाद दोस्तों फिर से मैं यहाँ पर टाइप करूँगा शुभ विवाह। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दोस्तों मैंने इस तरीके से शुभ विवाह भी टाइप कर चुका हूँ। इसको मैं यहाँ पर गणेश फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा ताकि बोल्ड दिख जाए। इसको मैं कंट्रोल टी करते हुए इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे डिज़ाइन। तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँगा और यहाँ पर बड़ा करने के बाद दोस्तों टेक्स्ट टूल के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है। सिंपली आपको यहाँ पर कॉप के ऑप्शन के अंदर वार्प टेक्स्ट के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आर्क सेलेक्ट करना है। तो आपको इस तरीके से रख सकते हो, इसको आप थोड़ा सा आर्क कम कर सकते हो, आपको जितना पसंद है आप उतना ही यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको ओके बटन के ऊपर में क्लिक करते हुए आपको कंट्रोल ए करते हुए इसको सेंटर अलाइनमेंट करना है दोस्तों, यानी कि पेज के अलाइनमेंट आपको रखना है। तो यहाँ पर मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा आप इसको छोटा करना चाहते हो तो शिफ्ट ऑल्ट होल्ड करते हुए आपको इस तरीके से छोटा कर सकते हो। उसके बाद आपको जो भी कलर वगैरह यहाँ पर पसंद है तो आप यहाँ पर रेड कलर भी दे सकते हो, ये वाला रेड। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ऐड लेयर स्टाइल के अंदर क्लिक करते हुए आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्ट्रोक देना है, वाइट कलर का स्ट्रोक देना है। और उसके बाद आपको ड्रॉप शैडो के ऊपर क्लिक करना है। ड्रॉप शैडो आपको जितना देना है आप दे सकते हो, स्ट्रोक आपको जितना पसंद है आप स्ट्रोक लगा सकते हो। उसके बाद आपको ड्रॉप शैडो भी आपको इस तरीके से लगाना है। तो आपको थोड़ा सा इसको ड्रॉप शैडो मेंटेनेंस करना है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से ड्रॉप शैडो निकाल सकते हो ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा डिज़ाइन आ जाए। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और यहाँ पर स्ट्रोक बड़ा करना चाहूँगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे। 12 के आसपास कर रहा हूँ। ड्रॉप शैडो भी मैं इसको थोड़ा सा और लाइट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर टाइप हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको टाइप करूँगा जो भी आपके मैटर है आप वो टाइप कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर मैटर टाइप कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप किया दोस्तों अभिराम। तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल टी करते हुए इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करूँगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा फॉन्ट, यहाँ पर मैं जाकर इसको मैं फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा, चूज करूँगा दोस्तों यहाँ से डाउन एरो की करते हुए। आपको जो फॉन्ट पसंद है आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे आप वही फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैं ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों 05 ARAB। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहूँगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे। तो इसी के सब को मैं यहाँ पर यानी कि दोस्तों ये वाले टूल्स यानी कि इस वाले लेयर के अंदर जो जो स्टाइल लगा था वही स्टाइल में इसको यहाँ पर राइट क्लिक करते हुए कॉपी लेयर स्टाइल करूँगा और इसके ऊपर क्लिक करते हुए इसके ऊपर राइट क्लिक करते हुए पेस्ट लेयर स्टाइल करूँगा ताकि सब कुछ यहाँ पर आसानी से आ जाए। तो इसी के ऊपर ऑल्ट प्रेस करते हुए यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा अभिराम विड्स मोनिका। यहाँ पर मैंने मोनिका टाइप किया है दोस्तों, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इधर की तरफ रख देता हूँ, इसको इधर की तरफ रख देता हूँ। रखने के बाद दोस्तों आपको जो भी यहाँ पर एवं संग जो भी टाइप करना है आप टाइप कर सकते हो। इसी को कॉपी करते हुए यहाँ पर आपको तो कुछ इस तरीके से टाइप करना है, इसको थोड़ा सा ऑन बोल्ड करना है ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे। इसको थोड़ा सा छोटा करते हुए यहाँ पर आपको जो भी लेयर स्टाइल लगा था इसको क्लियर करना है ताकि यहाँ पर खुद से लेयर स्टाइल लगा सके। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट करूँगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मेंटेनेंस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्ट्रोक लगाऊँगा, यानी कि स्ट्रोक वाइट कलर रखूँगा थोड़ा ही 6 के आसपास, और यहाँ पर मैं ड्रॉप शैडो थोड़ा सा निकालूंगा कुछ इस तरीके से, दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे। और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट करना चाहूँगा, यानी कि डेट आप रखना चाहते हो तो भी डेट रख सकते हो। इसको आप थोड़ा सा इधर की तरफ नीचे की तरफ रख सकते हो, इसको आप थोड़ा सा नीचे की तरफ, इसको आप थोड़ा सा नीचे की तरफ, इसको आप यहाँ पर मेंटेनेंस कर लीजिए। तो मेंटेनेंस करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इस वाले टूल्स के अंदर जाकर यानी कि शेप टूल के अंदर जाकर राउंडेड रेक्टेंगल टूल के अंदर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने 500 px का एक रेडियस दिया है और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल होल्ड करते हुए शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करते हुए छोटा करूँगा और इसके यहाँ पर रखूँगा। रखने के बाद दोस्तों इसको मैं रजिस्टर्स लेयर के ऊपर मैं कन्वर्ट करूँगा, तो राइट क्लिक करते हुए रजिस्टर्स लेयर करूँगा। तो यहाँ पर लेयर करने के बाद दोस्तों इसको मैं डिलीट करना चाहूँगा, तो इतना पार्ट मुझे यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर मैं डिलीट करना चाहूँगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर
तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से सेट कर रहा हूँ। तो इसको आप थोड़ा सा छोटा वगैरह करते हुए आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है, इतना रखना है तो आप इतना रख सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद आपको जो भी मैटर के लिए डेट है, यानी कि आप इस डेट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने टाइप किया है 2022 9 0 9 10, तो कुछ इस तरीके से मैंने टाइप किया है। इसको मैं फॉन्ट चेंज करूँगा दोस्तों, ताकि दिखने में काफ़ी अच्छा लगे। यहाँ पर मैं फॉन्ट सेलेक्ट करूँ इंग्लिश फॉन्ट, तो यहाँ पर आपको जो फॉन्ट पसंद है आप वही सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से सेट करते इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा, और इसको मैं यहाँ पर वाइट कलर फिल करूँगा। तो इस तरीके से मैंने वाइट कलर भी फिल किया है। अब आपको जो भी यहाँ पर और मैटर वगैरह यूज़ करना है, इसको आप थोड़ा सा छोटा करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, इस तरीके से डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगेगा। और उसके बाद आपको जो भी और एक पिक्सल्स वगैरह सेट करना है, यानी कि ये वाला पिक्सल्स आपको सेट करना है, तो इसको कंट्रोल ए करते हो, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल टी, आपको थोड़ा सा छोटा करना है, आपको इसको नीचे की तरफ या फिर आपको ऊपर की तरफ रखना है तो आप रख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ रखूँगा, और इसको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ रखूँगा। नीचे की तरफ रहूँगा और इसको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ रहूँगा, और इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरीके से रहूँगा, तो दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगता है। इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ रहूँगा, और इसको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ रहूँगा, ताकि सब कुछ आसानी से दिख जाए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक जो भी इमेज वगैरह आपको यहाँ पर लगाना है आप लगा सकते हो। उसके लिए मैं यहाँ पर ये वाला इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए यहाँ पर कंट्रोल ए करते हुए, कंट्रोल सी करते हुए, यहाँ पर कंट्रोल वी करते हुए पेस्ट करूँगा, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। आपको जितना बड़ा करना है आप बड़ा कर लीजिए, और उसके बाद आपको सिंपली इसी के ऊपर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर लेयर के ऊपर क्लिक करते हुए आपको जाना है दोस्तों, लेयर मार्क्स के ऊपर आपको हाइड ऑल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली ब्रश टूल के ऊपर में क्लिक करना है। ब्रश टूल के ऊपर में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ब्रश साइज आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 300 का साइज लिया है, और उसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको फिल करूँगा। तो फिल करने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इतना तक पार्ट यहाँ पर आ चुका है। अब आपको सिंपली ओपेसिटी कम करना है, 1 2 3 4, आपको जितना पसंद है आप कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 3 के आसपास लगाया है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँगा, ताकि जो मैटर है यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर दिख जाए। और इसको भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहूँगा, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए कितना आसानी से मैटर क्रिएट हो रहा है। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर कलर्स वगैरह रखना है, तो आपको जाना है दोस्तों जहाँ पर आपके पास ये फाइल, वही फाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे पास ये कलर्स है, तो इसको मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो लेकर आने के बाद दोस्तों इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हुए यहाँ पर पेस्ट करूँगा इसके अंदर, तो कंट्रोल वी करते हुए पेस्ट करूँगा। तो इसको यहाँ पर मैं इस तरीके से सेट करूँगा, कंट्रोल टी करते हुए थोड़ा सा छोटा करूँगा, तो यहाँ पर इसको मैं सेट करूँगा। इसको ऑल्ट होल्ड करते हुए आप चाहे तो यहाँ पर भी सेट कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, जस्ट दिखाने के लिए आपको इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, तो आप इस तरीके से मैनेजमेंट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप मैनेज कर लीजिए, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसको सेट करता हुए कंट्रोल ऑल्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर इसको रखता हूँ। यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ इसको नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भी इसको मैं नीचे की तरफ रख रहा हूँ। तो डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने के लिए दोस्तों ये एक्चुअली आपको ये लगाना भी नहीं है तो आप नहीं लगा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने दोस्तों कंप्लीट यहाँ पर वेडिंग के लिए कार बैनर डिज़ाइन कर चुका हूँ दोस्तों। कार बैनर है दोस्तों, एक्चुअली साइज़ है दोस्तों ये 18x24 का, 24 इंचेस और 18 इंचेस का साइज है। कुछ इस तरीके से आप आसानी से फोटोशॉप के अंदर वेडिंग बैनर डिज़ाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आते हो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।